दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सुबू में। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं देहरादून टू धारी देवी। तो दोस्तों, मेरी विंगर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल देख सकते हो आप। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों, कोहरा, दोस्तों कोहरा बहुत गंदा लगा है। और हम जाने वाले हैं, जो हमारी सवारी है वो उठाएंगे हम जंतन वाला, जो कि है गाड़ी कैंट में, और वहाँ से हम जाएंगे धारी देवी। तो चलते हैं दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं अपने इस टूर में जो कि है धारी देवी। तो जय माँ धारी देवी और जय श्री राम। दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट। दोस्तों कोहरा देख सकते हो, अभी देखो कितना गंदा कोहरा हो रहा है। मम्मी आ रही है वहाँ से, कोहरा बहुत गंदा हो रहा है। दोस्तों मैंने गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट कर ही दिया था। तो दोस्तों करते हैं हम गाड़ी को स्टार्ट। भाई ठंडा बहुत है भाई, दोस्तों आराम आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि फॉग बहुत है। दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों कोहरा देख सकते हो, और जो हम जाने वाले हैं धारी देवी वो है दोस्तों 164 किलोमीटर यहाँ से देहरादून से धारी देवी। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो धारी देवी का माता का मंदिर है वो चारों जो धाम है केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री उनकी रक्षा करती है। तो वहाँ हम जाने वाले हैं आज। मैं पहले भी गया था, ये दूसरा ट्रिप होगा मेरा दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि कितना वहाँ से जो डीजल लगता है वो कितना होगा और किलोमीटर कितना पड़ रहा है। मतलब किलोमीटर तो 162 किलोमीटर है दोस्तों, और चार घंटे का रास्ता इसलिए क्योंकि दोस्तों पहाड़ी इलाका है। और मैं दिखाऊंगा कि वहाँ क्या इलाके में कि कैसा वहाँ का व्यू होगा। दोस्तों करता हूँ मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है मेरी, और ट्रक आ चुका है, अभी हम साइड लेते हैं नीचे से। ठीक है दोस्तों, साइड तो छोड़ी है भाई ने, इतना तो किया है कि साइड छोड़ रही है। ठीक है दोस्तों, अभी हम ट्रक से साइड ले रहे हैं। भाई 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 आराम से आराम से आराम से, हमारी गाड़ी बंद हुई। तो दोस्तों गाड़ी बंद हो चुकी थी इस टाइम, बजरी का नाम आज ने दोस्तों गाड़ी बंद हो चुकी। तो दोस्तों कोहरा अभी बज रहे हैं दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, अभी 5 बज रहे हैं और हम वहाँ मिनिमम हम पहुंच जाएंगे दोस्तों 10-11 बजे हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4 घंटे का रास्ता है। अगर आप कहीं जाना है आपको मंदिर हो गया, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका होता है ना वहाँ जल्दी निकलो तो उससे बढ़िया रहता है दोस्तों, क्योंकि बहुत रश ड्राइविंग होती है। तो अपना आराम से निकलो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। गाड़ी ठीक टाइम पे अपने पॉइंट पे पहुंचानी चाहिए, क्योंकि भाई जल्दी जाना है तो जल्दी पहुंचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और फिर आपको दिखाऊंगा कितने लोग जाने वाले हैं आज इस विंगर में, जो टाटा विंगर है मेरी। चुका था अपने पॉइंट में जो कि था नागनाथ, जो कि है गाड़ी कैंट में। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे पहुँच चुका था और मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और मैं देख रहा था कि वो लोग आए कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने गाड़ी को बंद किया और गाड़ी की लाइट भी बंद करी और फिर मैं गाड़ी को साइड करके चल दिया उनके पास। बट वो लोग तो दोस्तों ऊपर की साइड आ गए थे और वो बैठ भी गए थे गाड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों देहरादून टू धारी देवी, आज एंजॉय करते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू कैसा है आज धारी देवी का। चलो दोस्तों, तो अभी हम रुके हैं जो प्रयाग का रास्ता है वहाँ पे, और अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा ये जो पूरा चारों धाम जाता है यहाँ से धारी देवी का। तो अभी रुकी हमने गाड़ी, अभी चलेंगे हम। दो गाड़ियाँ जा रही है हमें, ये देखो बस भी जा रही है, दो गाड़ियाँ रुकी हमें। चलते हैं दोस्तों अभी आगे की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे श्रीनगर की पहाड़ियों में और हम पहुंच चुके थे दोस्तों धारी गांव, जहाँ की है धारी देवी माता का मंदिर। तो चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं माता का मंदिर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धारी गांव में और जहाँ पे है धारी देवी का मंदिर। तो दोस्तों भैया ने हमारी गाड़ी लगाई साइड, जो कि है उनका पॉइंट। ठीक है दोस्तों, कभी भी जाता हूँ दोस्तों मैं एक ही जगह में गाड़ी लगाता हूँ, भैया की दुकान के आगे। तो दोस्तों अभी सवारी हमारी उतर रही है और देखते हैं मंदिर कैसा है, और आपको भी दिखाने वाला हूँ मैं आज धारी देवी माता का मंदिर। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं भैया, भैया की टांग में चोट लगी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से ये देखो फोटो शूट चल रहा है, ये देखो दोस्तों ये है हमारी मैया धारी देवी। देख रहे हैं यार,
ये दोस्तों का पानी भी कम हो चुका है अभी, अभी जाइए नीचे और दिखाता हूँ आपको वहाँ का व्यू। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ माता के दर्शन। तो आप देख सकते हो दोस्तों, धारी देवी माता के दर्शन करने के लोग इतनी दूर दूर से माता के पास आते हैं और हम भी आए हैं माता के पास। तो दोस्तों, इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि दोस्तों ये खूबसूरत मंदिर झीलों के बीचों बीच बना हुआ है और देवी काली को समर्पित है। कहते हैं दोस्तों, हमारी जो धारी देवी माता है उत्तराखंड के चार धाम की रक्षा करती है। और दोस्तों, माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रों की रक्षा देवी भी माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि एक बार बहुत भयंकर बाढ़ आई, बाढ़ में मंदिर बह गया, साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और माता की मूर्ति धारो गांव के पास एक चट्टान में आकर टकराकर रुक गई। कहते हैं कि दोस्तों, मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस जगह में मूर्ति को स्थापित करने का वचन दिया। गांव वालों ने मिलकर माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी देवी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। और माना जाता है कि दोस्तों, स्थानीय लोगों का मानना है कि माँ धारी देवी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, इसमें हजारों लोग मारे गए थे। मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में तीन रूप बदलती है। सुबह मूर्ति एक सुंदर कन्या का रूप में नजर आती है और दोपहर के समय मूर्ति का रूप युवती की तरह दिखाई देता है और शाम को यह बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दोस्तों, माँ धारी देवी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से दोस्तों हटा दी गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, इसमें हजारों लोग मारे गए थे और बेघर हो गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि दोस्तों, जो उत्तराखंड में प्रलय आई थी, वो माता की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया था, इसलिए ये प्रलय आई थी, भयंकर प्रलय जो आपने भी देखा था उत्तराखंड में 2013 में आई थी, जो उनका मंदिर हटा दिया गया था। तो दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना था कि उस मूर्ति को उनके मूल स्थान पे स्थापित कर दिया गया। तो दोस्तों, अब चलते हैं बाहर और आपको मैं दिखाऊंगा बाहर से मंदिर कितना और अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हम आए थे पुल के पास और यहाँ से आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों पुल के पास। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि पुल से मंदिर का नज़ारा कितना सुहाना और कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, पुल के पास मैं पहुंच चुका था, जो कि लोहे का पुल बना है, इतना लंबा पुल बना है। यहाँ से देखो दोस्तों, मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, जो कि है झील के बीच में। तो दोस्तों, मैं नीचे आया, यहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल भाई रेगिस्तान जैसा और पानी बिल्कुल कम हो चुका था, क्योंकि दोस्तों जब पानी बढ़ता है तो पूरा बिल्कुल पिलर ढक जाते हैं, जो माता का जो पिलर बना है यहाँ पे, जो जो मंदिर स्थापित है। और दोस्तों, मैं खेल रहा था वेदू के साथ, बिल्कुल देखो बिल्कुल मस्ती कर रहे थे हम दोनों। तो दोस्तों, मैंने माता के दर्शन यहाँ नीचे से भी किया और देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और दोस्तों, मैंने माता से यहाँ मन्नत मांगी, जो मेरी मन्नत है वो पूरी होगी, फिर मैं आप लोगों को लेके आऊँगा यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे नायरा को घुड़सवारी कराई और नायरा बिल्कुल खुश है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया आप देख सकते हो, मस्ती ट्रैवल विद सुबो, जो मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो ट्रिप था मेरा, ये दूसरा ट्रिप है, मतलब पहले मैं आया था जब ये पानी बहुत बढ़ चुका था, बट अब यहाँ पे ये पानी बहुत कम हो चुका है और बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप ट्रैवल विद सुबु। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम ऊपर और हमारे जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि सवारी मुझे फ़ोन कर रही थी कि कहाँ हो आप, आए नहीं हो। तो दोस्तों, चलते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ देख सकते हो आप, नीतू मंदिर की फ़ोटो खींच रही है अच्छी अच्छी। तो चलते हैं दोस्तों, चल नीतू फटाफट आ जाओ ऊपर, फिर हम दोस्तों भैया को मैंने किया बाय बाय और चल रहे हैं हम देहरादून वापस। और दोस्तों, रास्ते में अब दिखाने वाला हूं मैं इन लोगों को देवप्रयाग, जहां पे होता है संगम अलकनंदा और भागीरथी, क्योंकि वापस में दोस्तों हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि वहां बहुत अच्छा दृश्य है, आप लोग भी देखो दोस्तों। तो भैया को मैंने किया बाय बाय, क्योंकि मैंने बोला भैया को बाद में कभी आऊँगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। तो दोस्तों, जय माँ धारी देवी, चलते हैं हम अपने वापस देहरादून टूर में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चलते चलते पहुंच चुके थे देवप्रयाग, और जो दोनों भागीरथी अलकनंदा के संगम में ही रहे, अलग अलग पानी है दोस्तों, देखो पहले सामने खड़े हो ना, इधर देख के खड़े हो, यहाँ चल रहा है फोटो शूट, अरे रुक जाओ, भैया और दीदी लोग का फोटो शूट चल रहा है। मायरा
ये हमारी मायरा, मायरा अपना दांत दिखा, ये मायरा का दांत दिखा। तो दोस्तों ये है पूरा, देखो पूरा है देवप्रयाग। तो मायरा बोल, वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करें, बोल बोल, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें आपको। तो दोस्तों मिनिमम जो मेरी गाड़ी थी टाटा विंगर, उसमें जो खर्चा था वो 3-4 हज़ार ऐसे के कुछ तेल तेल का लग गया दोस्तों, पर मज़ा आया। देखो पहाड़ों में गाड़ी बोलते कि टाटा विंगर नहीं चलती है, देखो पूरा जो 160 किलोमीटर 162 किलोमीटर तो मैं कवर करके आया हूँ और 4 घंटे का वो रास्ता था दोस्तों। अब हम वापसी हो चुके हैं देहरादून को। तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय।